खबर, अहम जानकारी, बजट पेश कर दिया गया है, खुल गया मोदी सरकार का पिटारा। अब एक एक करके आपको बड़ी बातें बताते हैं। ये बजट सभी के विकास के लिए है, ये विकसित भारत का रोड मैप है। निर्मला सीतारमन ने एक बार फिर से मोदी 3.0 में बजट पेश किया, इतिहास उन्होंने बनाया। लेकिन जो मुख्य बातें रही वो रही रोजगार बढ़ाने पर सरकार का फोकस रहेगा, रोजगार बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता, ये कहना निर्मला सीतारमण का। बजट पेश करते वक्त उन्होंने जानकारी दी, कहा नेचुरल फार्मिंग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। 32 फसलों के लिए सोचा गया है इनकम टैक्स पर सरकार का बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, बजट से जुड़ी हुई। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट बढ़ा दी गई है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपया कर दिया गया है। यह अहम जानकारी, मुख्य पॉइंट्स, 12 से 15 लाख तक की आय पर 20% टैक्स लगेगा। इसके अलावा 10 से 12 लाख रुपया तक 15% टैक्स लगेगा। नई टैक्स रिजीम में 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जैसे कि कहा जा रहा था जो टैक्स स्लैब है उसमें थोड़ा बदलाव किया जा सकता है, तो अब इनकम टैक्स पर सरकार का बड़ा फैसला। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट बढ़ गई है। अब देखना होगा कि जो बजट की अहम बातें हैं, मुख्य बातें जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, फोर्स इंडिया न्यूज पर आप स्क्रीन पर एक एक मुख्य बातें देख सकते हैं। शेयर बाजार के क्या हालात है वो भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये देखिएगा, 10 से 12 लाख रुपए तक 15% टैक्स लगेगा, टैक्स स्लैब में बदलाव, और उसके बाद ये नई जो सारी बातें लिखकर आई है कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स पर सरकार का बड़ा फैसला। इसके अलावा भी तमाम महत्वपूर्ण बातें कही गई है, वो भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स लगेगा, यह भी जानकारी मिली है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपया कर दिया गया है। इसके अलावा 3 से 7 लाख तक इनकम पर 5% टैक्स लगेगा। 10 से 12 लाख रुपए अगर आपकी है सालाना, 15% टैक्स। इसके अलावा 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा। तो बजट में टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है, जिससे लेकर आस भी थी। अब आम लोग, मिडिल क्लास कितना बचा पाएगा अपनी सालाना आय में, ये निर्भर करेगा उसकी सालाना आय पर। 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, उसके बाद जो फीसदी बढ़ाया गया है वो जानकारी फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप तक पहुंचा रहे हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपया कर दिया गया। मुख्य बातें बजट से जुड़ी हुई, टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। तो विकसित भारत का लक्ष्य, भविष्य को देखकर ये बजट पेश किया गया है। मोदी का पिटारा क्या होगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, क्या होगा, ये सुबह से लगातार चर्चा जारी थी, हर किसी की नजरें थी। लेकिन अब बहुत अहम जानकारियां, क्योंकि बजट पेश हो चुका है। 7 से 10 लाख पर कितना होगा, 10 से 12 लाख पर 15% टैक्स है, ये विस्तार से जानकारी। नई टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब में बदलाव, न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट बढ़ा दी गई, 75,000 रुपए कर दिया गया स्टैंडर्ड डिडक्शन को। इसके अलावा और भी मुख्य बातें, एक्सरे मशीन के लिए कस्टम ड्यूटी, मोबाइल फोन लिथियम बैटरी सस्ती, क्या सस्ता हुआ है अब आपको जानकारी दे रहे हैं। सोलर सेल, सोलर पैनल निर्माण पर भी टैक्स की छूट दे दी गई है, यह भी अहम जानकारी। सोने चांदी के गहने सस्ते होंगे अब, बजट पेश किया, क्या क्या सस्ता, बिजली के तार, चमड़े से बने सामान जो है वो भी सस्ते हो जाएंगे। 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान, बिहार में बिछेगा सड़कों का जाल, 20,000 करोड़ का प्रावधान। महिला और लड़कियों के लिए योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान रखा गया है, तो जो योजनाएं थी उनका भी दायरा बढ़ा दिया गया। एजुकेशन लोन के ब्याज पर छूट की बात कही गई है। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 स्कीम के लिए 2 लाख करोड़ रुपया। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम की घोषणा कर दी गई। गया में औद्योगिक केंद्र बनाया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो फिर पिटारा खुला है, तो आंध्र प्रदेश और बिहार की तो बल्ले बल्ले हो गई है। सांस्कृतिक केंद्रों को आधुनिक आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काशी की तर्ज पर बिहार में महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। इसके अलावा 5 करोड़ आदिवासियों के लिए उन्नत ग्राम अभियान चलाया जाएगा। बिहार में राजगीर टूरिस्ट सेंटर का निर्माण होगा। इसके अलावा बड़ी बातें, बाढ़ आपदा पर बिहार के लिए 11,000 करोड़ का प्रावधान भी है। 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए परियोजनाएं,
30 लाख से ज्यादा आबादी वाले 14 बड़े शहरों में आवागमन के लिए विकास की योजनाएं। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी और मध्यवर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा। चयनित शहरों में 100 साप्ताहिक हाट और स्ट्रीट फूड हब बनेंगे। 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के लिए योजना। मोबाइल फोन चार्जर और मोबाइल पार्ट्स जो है अब सस्ते हो जाएंगे। कैंसर की 3 दवाइयों से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। इसके अलावा सोलर पैनल के दाम नहीं बढ़ेंगे। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात लगातार सरकार करती भी आई है। सोने चांदी पर अब कस्टम ड्यूटी जो है सीमा शुल्क उसे घटा दिया गया। सोलर सेट भी अब सस्ते होंगे। सोने चांदी के गहने सस्ते होंगे, सोलर सेट भी अब सस्ता होगा। तो बजट की ये मुख्य बड़ी बातें, टेलीकॉम उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए कर दिया गया है। टैक्स स्लैब में बदलाव, उसके तहत 10 से 12 लाख तक 15% टैक्स लगेगा। 3 से 5 लाख पर 5% टैक्स लगेगा। मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई। 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। रोजगार के लिए भी मुख्य बातें। बिहार में सड़कों का जाल बिछेगा, 26,000 करोड़ का प्रावधान इसके लिए रखा गया है। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान। एजुकेशन लोन के ब्याज पर भी छूट, ये भी रियायत दे दी गई है। इसके अलावा रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 स्कीम के लिए 2 लाख करोड़ रुपया। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम की घोषणा। आपको याद होगा कि चाहे बिहार की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, विशेष राज्य का दर्जा ये मांग कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया था। लेकिन जरा देखिए कैसे बैलेंस किया गया है। इसके अलावा काशी के तर्ज पर बिहार में महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। इसके अलावा 5 करोड़ आदिवासियों के लिए उन्नत ग्राम अभियान, आदिवासियों को किया साधने की कोशिश। बिहार में राजगीर टूरिस्ट सेंटर का निर्माण होगा, क्योंकि आदिवासी भी लगातार ये कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसे उसमें समावेश नजर आ रहा है। इस बजट में कैसे साधा गया है, चुनौतियां बहुत ज्यादा थी, लेकिन इस बजट के जरिए सबको सब कुछ नहीं दिया जा सकता, लेकिन सबको बहुत कुछ दिया गया। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी मध्यवर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा। चयनित शहरों में बनेंगे 100 साप्ताहिक हाट और स्ट्रीट फूड हब। 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के लिए योजना। स्किल डेवलपमेंट बढ़ाने की कोशिश। इसके अलावा महत्वपूर्ण चीजें, मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कि मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल पार्ट्स वो सस्ते होंगे। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी, उसकी 3 दवाइयां पर टैक्स नहीं लगेगा। सोलर पैनल के दाम नहीं बढ़ेंगे। सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। उस सोने और चांदी के गहने सस्ते होंगे, सोलर सेट भी सस्ते होंगे। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात लगातार केंद्र सरकार करती आई है। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार भी बढ़ावा देने की बात करती है। टेलीकॉम उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। इसके अलावा न्यू टैक्स रिसीव में 3 लाख तक टैक्स नहीं। और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, उसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। तमाम महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहे हैं कि बजट में क्या कुछ खास रहा, क्या महत्वपूर्ण बातें रही। किसानों को फायदा होगा, सरकार का यही मकसद है, और इस बजट के जरिए वही बताने की कोशिश की गई है। सरकार द्वारा मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई। 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान कर दिया गया। सुबह से लगातार चर्चा जारी थी फर्स्ट इंडिया न्यूज पर, लगातार हम यही जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे राजस्थान की जनता से कि आखिर वो क्या चाहती है। तमाम जो पॉइंट्स निकल कर आए थे, चाहे वो टैक्स को लेकर हो और जीएसटी को लेकर हो, इसके अलावा महंगाई को लेकर हो, किसान अपनी खेती को लेकर तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे थे। बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन अब समावेश इस बजट में तमाम महत्वपूर्ण बातों को लेकर किया गया है। जैसे कि अन्य राज्यों का भी हम जिक्र करें, बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उन्हें भी इस बजट में मुख्य तौर पर रखा गया है। तो 5 करोड़ आदिवासियों के लिए उन्नत ग्राम अभियान, अब इसके तहत और ज्यादा उन्हें विकसित बनाने की कोशिश की जाएगी, उन्हें रोजगार देने की कोशिश की जाएगी। बाढ़ आपदा पर बिहार के लिए 11,000 करोड़ का प्रावधान रहेगा, क्योंकि हमेशा ही हर साल मानसून में बाढ़ का सामना करता है ये राज्य। ऐसे बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए भी परियोजनाओं का ऐलान कर दिया गया है।
तमाम महत्वपूर्ण बातों का उन्होंने जिक्र किया। भारत में महंगाई दर करीब 4% है। सबसे पहले जब बजट पेश कर रही थी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, तब भी उन्होंने ये बातें कही। उसके बाद ये मुख्य बातें जो रही, विष्णुपद मंदिर और मां बोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। भारत में वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए ऐलान की बात कही गई है। लेकिन सबसे ज्यादा